In today's video, we will discuss question number 9 from comparing quantities exercise 8.3. Okay, so question is, find the amount which Ram will get on rupees 4096 if he gave it for 18 months at 12.5 per annum, interest being compounded half yearly. Okay. सो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, यहाँ पे जो है अमाउंट विच राम विल गेट 4096, ओके, तो हमें अमाउंट बताना है, ठीक है, अमाउंट फाइंड करना है जिस पर 4900 जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होगा उस पर क्या मिल रहा है, ही गेव इट फॉर 18, उसने जो है ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स एट 12% इंटरेस्ट रेट पर एनम इंटरेस्ट, ओके, बींग कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट जो है यहाँ पर हो जाएगा 4996 रुपीज, ठीक है, उसने 18 महीने दिए, ठीक है, ही गेव इट फॉर 18 मंथ्स, ठीक है, कंपाउंड होने के लिए, ओके, जो कंपाउंड हो रहा है वो भी हाफ ईयरली है और मंथ्स जो है टाइम पीरियड जो है एन 18 मंथ्स है, ठीक है। एक चीज़ हमें यहाँ पे पता चली है क्या, कि यहाँ पे हाफ ईयरली है और यहाँ पे मंथ भी 18 दिए, तो हाफ ईयरली मतलब ईयरली मतलब एक साल, हाफ ईयरली मतलब आधा साल, आधा साल मतलब 6 महीने, 6 महीने है मतलब यहाँ पे कितने हैं, 6 6 करके 3 महीने हैं, मतलब इस तरह से 6 महीने की एक साल हुई, तो यहाँ पे 6 महीने करके यहाँ पे कितने, 6 + 6 18 हुए ना, ठीक है, ये 18 मंथ हुए, तो एक साल, ठीक है, 2 साल, 3 साल, तो इसका मतलब है कि टाइम जो है आपके पास 3 ईयर्स दिया गया है, ओके। इसके बाद जो है इंटरेस्ट रेट जो है 12.5 है, ठीक है, तो ये भी हमारा हाफ हो जाएगा क्योंकि कंपाउंड हमें किस में करना है, हाफ ईयरली में करना है, ठीक है, 12.5, तो इसको कैसे लिखेंगे आप, 24 + 1 = 25, ठीक है, ये ऐसे आया, देखिए 2 का मल्टीप्लाई 24 इसमें होएगा 12 में, तो 24 + ऊपर का 1 होता है, ठीक है, तो इस तरह से ये 25/2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन तो स्टार्टिंग में पूछ लिया था, अमाउंट बताना है आपको, बस फॉर्मूला आपको याद ही है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, P1 + R/100 to the power n जो आपका टाइम होगा, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट 4096 रुपीज़, 1 + रेट आपने निकाल ही लिया है हाफ ईयरली के लिए 25/2, ये आपका 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और आपका जो ईयर था वो क्या हो गया था, हाफ ईयरली था, तो 3 ईयर बन गए थे, 6 6 महीने के, ना, टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हो जाएगा, ओके, 3 टाइम, तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर जो आ जाएगा 4913 रुपीस, ओके। होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, थैंक यू सो मच।